फ्रेंड्स, अभी मैं जहाँ पे हूँ आप लोग हमारे पीछे देख सकते हो, हॉलीडे हाईवे अ फैमिली रेस्टोरेंट एंड हॉलीडे हाईवे के लिए जोरदार ताली हो जाए सभी को। ये और अंदर चलते हैं और अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं किस तरह का है ये रेस्टोरेंट और कैफे किस तरह का नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे लोग जो है ऑलरेडी मौजूद हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में जो है लाइटिंग का काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। और थोड़ा सा अगर हम लोग और अंदर की ओर आएंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग कोई भी जो सामान वगैरह है वहाँ पे यहाँ से आप लोग आकर रिसेप्शनिस्ट में यहाँ पे भी आप लोग ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे देखिए पीछे में मस्त लिखा हुआ है हॉलीडे हाईवे मॉकटेल और मस्त वहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लग रहा है। तो चाहूँगा कि वो अक्सर आएँ और उनको एक अच्छा माहौल मिलेगा, खाने का टेस्ट मिलेगा। सारे सेफ हमारे पास दिल्ली से हैं जो वेल ट्रेंड है, जिनके 10 साल के एक्सपीरियंस है और एक रिनाइबल रेट रहेगा। ऊपर में फ्रेंड्स देख सकते हो लाइटिंग का कुछ इस तरह से व्यवस्था की है, मतलब कि बैठे हुए हैं साइड में। और इस साइड देखिए फ्रेंड्स, इस साइड भाई ये काफ़ी बेहतरीन है, आजकल के नौजवान युवा जो भी बोलो। यहाँ पर आकर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? अच्छा है, अच्छा बनाए हैं और उम्मीद है इस इलाके के लोगों को। तो हॉलीडे हाईवे नाम से है काफी। सर अब आपकी बारी है। सबसे पहले तो मैं साला झुकूंगा नहीं और हॉलीडे हाईवे कभी झुकेगा भी नहीं। ये हॉलीडे हाईवे अ फैमिली रेस्टोरेंट एंड कैफे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक न्यू फ्रेश कमाल के वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है आप लोग को टाइटल थंबनेल लेके समझ ही गए होंगे। एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, कौन सा रेस्टोरेंट है कौन सा रेस्टोरेंट नहीं है तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। और मैं अभी जहाँ पे हूँ तो भाई ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन है रूपसपुर नहर से जो दीघा की ओर जो रोड जाता है बीच में लेफ्ट साइड में है, पिलर नंबर एलिवेटेड का 203 पिलर नंबर के जस्ट अपोजिट साइड में खुला है हॉलीडे हाईवे। तो चलिए फ्रेंड्स फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है कैफ़े, कैसा है रेस्टोरेंट। काफ़ी बेहतरीन कैफ़े और काफ़ी बेहतरीन रेस्टोरेंट है, तो चल के दिखाते हैं आपको। वीडियो में आप लोग बने रहिए, आज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड कमाल का होने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी मैं जहाँ पे हूँ आप लोग हमारे पीछे देख सकते हो हॉलीडे हाईवे अ फैमिली रेस्टोरेंट एंड कैफे और साउथ इंडियन यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ इस तरह का ये पोस्टर है, देख सकते हो किस तरह यहाँ पे जो है डेकोरेशन वगैरह जो है वो किया गया है। तो जो लोग हैं कुछ इस तरह से भी बैठे हुए हैं। तो आज इसका गाइस आज ओपनिंग होने वाला है, मतलब ओपनिंग हो ही रहा है, पूजा जो है सुबह में ही हो गया था और अभी फिलहाल वहाँ पे स्टेज लगा हुआ है। अंदर में कैफे है तो अंदर भी चल के आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। इस बिल्डिंग के जस्ट ऊपर में आप लोग देख सकते हो तुलसी आंगन बैंकेट रूम लिखा हुआ है, मतलब ऊपर में जो है बैंकेट हॉल है और नीचे में जो है कैफे एंड रेस्टोरेंट खुल चुका है। तो हॉलीडे हाईवे अ फैमिली रेस्टोरेंट एंड कैफे, तो ये बड़ा सा लिखा हुआ है, तो आप लोग जब कभी भी आओगे तो देख सकते हो। और यहाँ पे जो स्टेज लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह हुआ और यहाँ पे म्यूजिक का सेट वगैरह लगा हुआ है और इस साइड के लोग अंदर है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ बैठने का यहाँ पे अभी व्यवस्था किया गया है और यहाँ पे जो भी कैफे के जो लोग हैं मतलब कि आएंगे जो भी चिल विल कर रहे हैं वहाँ पे देखिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। और कुछ इस तरह ये व्यू है चारों तरफ आप देख सकते हो। फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ कैफे के अंदर, ये और अंदर चलते हैं और अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं किस तरह का है ये रेस्टोरेंट और कैफे किस तरह का नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे लोग जो है ऑलरेडी मौजूद हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में जो है लाइटिंग का काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। और थोड़ा सा अगर हम लोग और अंदर की ओर आएंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग कोई भी जो सामान वगैरह है वहाँ पे यहाँ से आप लोग आकर रिसेप्शनिस्ट में यहाँ पे भी आप लोग ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे देखिए पीछे में मस्त लिखा हुआ है हॉलीडे हाईवे मॉकटेल और मस्त वहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे भी आप लोग अपना बैठ कर ऑर्डर कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे नॉर्मल डेज में आप लोग आना, आज तो खैर आज तो ये पहला दिन ही है, तो पहला दिन में काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग लग रहा होगा क्योंकि सारे यहाँ पे लोग आज इन्वाइटेड है यहाँ पे। अगर हम इस साइड आए तो इस साइड आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, इस साइड चेयर पे जो है यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इस साइड एक चेयर लगा हुआ है, एक साइड इस साइड, और यहाँ पे टोटल जो है साइड में जो है तीन चेयर यहाँ पे लगे हुए हैं। मतलब कि जो भी मतलब फ्रेंड लोग के साथ आओ या फिर ग्रुप में आओ आप लोग आकर यहाँ पर आप लोग इन्जॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड लोग के साथ ग्रुप में। और एक और खास बात है फ्रेंड्स, यहाँ का भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किया गया है, मतलब यहाँ पे आप लोग फैमिली लोग भी आकर यहाँ पे चिल कर सकते हो और कपल्स
दूसरों के लिए भी भाई बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो चलिए और थोड़ा और आगे आते हैं और आगे आकर आपको दिखाते हैं। और ऊपर में फ्रेंड्स देख सकते हो लाइटनिंग का कुछ इस तरह से व्यवस्था किया हुआ यहाँ पे, मतलब कि बैठे हुए हैं साइड में। और इस साइड देखिए फ्रेंड्स, इस साइड भाई ये काफ़ी बेहतरीन है। आजकल के नौजवान युवा जो भी बोलो, आजकल के जो भी कपल्स आते हैं तो उनको थोड़ा मतलब कि सिक्योरिटी मतलब प्राइवेसी चाहिए होता है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है भाई। देख सकते हो अंदर में, मतलब कि अंदर का थोड़ा मैं व्यू दिखाता हूँ आकर, थोड़ा कैमरा अंदर में लाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग अंदर में देख सकते हो, अंदर में जो लोग हैं कुछ इस तरह से जो है बैठे हुए हैं, ये इस साइड में है और दूसरा जो है हमारा इस साइड में है। तो कपल्स लोग जो भी आएंगे कुछ इस साइड बैठ सकते हैं और दूसरा जो है इस साइड बैठ सकते हैं। तो देखिए कुछ अंदर का व्यू कुछ इस तरह का। हाईवे रेस्टोरेंट के उद्घाटन के लिए पारिवारिक माहौल यहाँ मुझे दिखा, अच्छी व्यवस्था दिखी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि हाईवे पे है और हाईवे की तरह रन करे। हाँ, और इनके लिए भी बिल्कुल एक बार जोरदार ताली है सर के लिए। सबसे पहले जितने लोग आज हमारे इस माहौल में सम्मिलित हुए उनको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हॉलीडे हाईवे का जो कंसेप्ट है यंगस्टर के लिए भी है और फैमिली मेंबर्स के लिए भी है, जिसको माहौल हमने वैसा दिया। जो यंगस्टर लोग हैं वो अक्सर शाम के समय चाहते कि रोड की तरफ मिल जाए जहाँ बैठ कर अच्छे से खा सके और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सके, वो सारे माहौल यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ एक कैफे का भी लुक दिया गया है जो यंगस्टर को ज्यादा पसंद आएगा। और रेस्टोरेंट का इसलिए दिया गया कि फैमिली मेंबर्स भी इसको एंजॉय कर सके। और मेरी विनती है कि जो भी लोग आज हैं अपने आशीर्वाद को हमारे साथ बनाए रखें। और हमारे इस माहौल में जो दानापुर चेयरमैन मैम अनु कुमारी जो आई, वो हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, हमारे लिए सौभाग्य है। और हमारी शुभकामनाएं मैम के साथ ही, और मैम की शुभकामनाएं हमारे साथ भी है। फ्रेंड्स फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ अंदर में। जो केविन है ना, इसका इस कैफे और रेस्टोरेंट का सबसे ज़्यादा खास बात यही कह सकते हो कपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जो लोग यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, मज़े कर रहे हैं। और सबसे पहले इन छोटे छोटे बच्चे लोग से पूछते हैं कैसा लग रहा है तुम लोग को यहाँ पे? बहुत अच्छा। कैफे रेस्टोरेंट कैसा बना हुआ ये बताओ? ये कैफे रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि कैफे और क्योंकि कैफे और रेस्टोरेंट दोनों नाम है ना यहाँ का। कैसा लग रहा है ये बता रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हो नेता और मंत्री यहाँ पे बैठे हुए हो, जितेंद्र राजक नाम है इनका, और सारे मंत्री जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर आकर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? अच्छा है, अच्छा मनाए हैं और उम्मीद है इस इलाके के लोगों को। हॉलीडे हाईवे नाम से है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और इसका जो लोग डेकोरेशन भी है काफ़ी ज़्यादा सुंदर किया गया है। और क्या मतलब ये क्या लगता है बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में, महाराष्ट्र, मुंबई में सर, और रेस्टोरेंट में और कैफे में, और यहाँ के रेस्टोरेंट और कैफे में क्या डिफरेंस है? मतलब पटना में तो बेहतर
है, अभी तक हमको लगा इस टाइप का कैफे कहीं नहीं है जी। थोड़ा यूनिक इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, हाईवे पे है और नाम भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, हॉलीडे हाईवे आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, यहाँ का बहुत अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन है। और कैफे और रेस्टोरेंट से क्या डिफरेंस है यहाँ पे? ये हाईवे पे है इसीलिए हाईवे है। मतलब क्या लगता है, मतलब कि चलेगा, मतलब अच्छा? बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा, थोड़ा यूनिक है और यंगस्टर के लिए भी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब कि कपल्स लोग आएंगे और फैमिली के भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। फैमिली के लिए अलग सा स्पेस बनाया गया है और कपल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अलग से स्पेस बनाया गया है, केबिन बनाया गया, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सर क्या कहना चाहिए? यहाँ के खाने बहुत अच्छे हैं, खाने बहुत अच्छे हैं। टेस्ट कैसा है खाने? टेस्ट बहुत अच्छा। और यहाँ के लोग का नेचर वगैरह सर? बहुत अच्छा सर्विस है यहाँ का, बहुत अच्छा सर्विस। चाहूँगा कि वो अक्सर आएँ और उनको एक अच्छा माहौल मिलेगा, खाने का टेस्ट मिलेगा। सारे सेफ हमारे पास दिल्ली से हैं जो वेल ट्रेंड है, जिनके 10 साल के एक्सपीरियंस है और एक रिनाइबल रेट रहेगा। मैम आप क्या कहना चाहिएगा इस रेस्टोरेंट और कैफे के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है सारे। आप लोग ये बताइए कि आपको खाने का टेस्ट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा क्या खा रही है? बेबी कॉर्न चिली। कैसा लग रहा है खाकर? टेस्टी लग रहा है। और यहाँ का रेस्टोरेंट और कैफे का मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा भाई बेहतरीन लगा, यहाँ के वेटर लोगों का भी ना ड्रेसिंग कोड है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हॉलीडे हाईवे लिखा हुआ है और ब्लैक कलर में ये ड्रेसिंग कोड है। और एक इन्हीं का नहीं, यहाँ के जितने भी वेटर लोग हैं सभी का भाई यहाँ पे मस्त ड्रेसिंग कोड है, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है भाई। देख सकते हो एक इस साइड भी है, आप इधर आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए इन लोगों का भी वेटर लोगों का जो ड्रेसिंग कोड है यहाँ पे तो मस्त लग रहा है, टी शर्ट के पीछे भी छपा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। चलिए और कुछ दिखाते हैं यहाँ का अनोखा और खास चीज़। सबसे पहले तो मैं साला झुकूंगा नहीं और बॉलीवुड आएगा कभी झुकेगा भी नहीं, झुकने देंगे भी नहीं। और यंगस्टरों के लिए मैं ये बता दूं कि हमेशा यहाँ पे आपका डिमांड पूरा होते रहेगा, आप कभी भी आएंगे तो कभी भी यहाँ बोर फील नहीं करेंगे, एक अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा खाने का व्यवस्था होगा। फिलहाल मैं बैठा हुआ हूँ और फिलहाल पीछे की फंक्शन वगैरह ये सब चल रहा है, मैं जिनका मेन ये कैफे और रेस्टोरेंट है मैं उनसे भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कौन है कौन नहीं है तो आप लोग देखिए जब पहचान लेंगे, जो लोग मुझे पहचान लेंगे। पीछे जो अभी फंक्शन वगैरह चल रहा है, नेता मंत्री जितने भी आए थे सबको आए, अपना आर्टवर्क दिए, अपना जो भी इस कैफे और रेस्टोरेंट के बारे में जो भी चीज़ था वो उन्होंने अपना बोला और बताया कि हाँ कैसा कैफे, कैसा रेस्टोरेंट है, कैसा नहीं है।